हमारे चैनल फूडी फौज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि हम अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और बच्चे इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए फ्राइड राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने एक पैन ले लिया है और उसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा हमारा हल्का पक गया है, अब इसमें अदरक ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और अब इसमें प्याज ऐड करेंगे, इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। प्याज हमारा रोस्ट हो गया है, अब इसमें हम ब्रोकली डालकर इसे भी रोस्ट करेंगे। ब्रोकली को हमने पहले साफ करके कट करके उसे गर्म पानी में 1 मिनट के लिए डाल दिया था, उसके बाद हमने ब्रोकली को यहाँ पे यूज किया है। ब्रोकली रोस्ट हो गई, अब इसमें हम गाजर ऐड कर लेंगे और इसे भी रोस्ट कर लेंगे। और सभी सब्जियों को हम हाई फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे और शिमला मिर्च को हम लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। सब्जियां रोस्ट हो गई हैं, अब हम राइस इसमें ऐड कर लेंगे। हमने राइस को पहले ही कुक करके रख लिया था। राइस को रोस्ट करते समय भी हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और ब्लैक पेपर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और रोस्ट कर लेंगे। और अब इसमें हम विनेगर डालेंगे 1 टेबल स्पून, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें सोया सॉस 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए और रोस्ट करेंगे। और ये देखिए हमारा फ्राइड राइस बनकर रेडी हो गया है। देखिए कितना कलरफुल हमारा फ्राइड राइस बनकर रेडी हुआ है, बहुत ही टेस्टी है ये। इस तरह से फ्राइड राइस हम कभी भी अपने बच्चों को फटाफट बना के दे सकते हैं और लंच बॉक्स में भी इसे हम दे सकते हैं। और अगर घर में चावल बच जाए तो हम इसी तरह से उसका भी फ्राइड राइस बना सकते हैं।